25-30 किलो का होगा। अच्छा इतना? हाँ ठीक है, 25-30 किलो का। रेट भी पता है आपको? जी जी हाँ। तो ये कैसा होगी? ये तकरीबन 450-500। ये भी 450? हाँ, मतलब इसमें ज्यादा आ जाता है ना। अच्छा ये फ्रेश है। अच्छा फ्रेश क्यों है? क्योंकि ये सुबह सुबह इसको रात को मारते हैं, फिर शाम को इसको ले आते हैं। ये पत्तल है। ठीक है, पापलेट? ये नहीं, इसको पापलेट नहीं, ये पत्तल है। इससे कम 20 किलो होगा। चालीस? माशाल्लाह यार, ये संग्रह को कहा है। ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा देखिए, मैं इसमें सामने दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट इमरान खान और आप देखे हैं ट्रैवल एंड फूड। दोस्तों इस टाइम मौजूद है हम फिशरी में। इतनी बेहतरीन किस्म मछली है, रेट भी बहुत ही मुनासिब है। हमारे साथ रहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही वीडियो लगा दे। आइए मेरे साथ। अब दोस्तों हमारे साथ मौजूद है नासिर बलोच साहब, वो हमें इस मार्केट के बारे में बताएँ, कुछ मछली के एग्जाम के बारे में बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं नासिर साहब? ठीक है। अच्छा नासिर साहब, हमें कुछ थोड़ा विजिट कराएँ, कहाँ से विजिट क्यों करें, ताकि हमें जिस मंडी पे हम आए हो उसको हेला मंडी कहा जाता है। जो कश्तियाँ हैं वो सुबह जाती हैं और शाम को वापस आती हैं, जिसको हेला कहा जाता है। यहाँ बिल्कुल फ्रेश मच्छी मिलती है, कोई भी मच्छी इस मार्केट में मिलेगी। इसकी 2:30 बजे से लेके रात 8:30-9 बजे-10 बजे तक इसकी बिल्कुल मार्केट चलती रहती है, और जो भी मच्छी यहाँ मिलेगा आपको फ्रेश मिलेगा। चलिए, जैसा कि सुबह जाके और शाम को कश्तियाँ आ जाती हैं, जिसको फिश मंडी कहा जाता है। अच्छा पहले ये शुरू कर लेते हैं, इसकी मछली के बारे में बताइए। देखिए ये हीरा इसको कहा जाता है। ठीक है, ये हीरा मछली है, इसका बड़ा टेस्टी होता है। ये इसको साफी कहा जाता है। ये साफी है। ठीक है, साफी मछली को साफी कहा जाता है। ये दाना माशाल्लाह बड़ा बड़ा, ये कौन सी मछली? काफी बड़ा है मछली, जो है ना चाया, इसको बोलते हैं चाया। अच्छा, इसको चाया बोलते हैं माइगिर बरादरी में। कितने किलो होगा अभी ये? कम से कम 25-30 किलो का होगा। अच्छा इतना? हाँ ठीक है, 25-30 किलो का। रेट भी पता है आपको? जी जी हाँ। तो ये कैसे किलो होगी ये? कम से कम आपको मिलेगी 1200-1500। ठीक है। अच्छा इस मछली के बारे में? ये सोना मछली है, ये बड़ा बेहतरीन मछली है, ये भी खाने में बड़ा टेस्टी है। देखो फ्रेश होता है ये, फ्रेश बिल्कुल फ्रेश है ये, और इसको सोनाप कहा जाता है। ये कैसा मिली होगी? ये तकरीबन इसकी भी 1200-1200 रुपया किलो में, सेम मछली है। देखा, इसको सोनाप कहा जाता है। ये बड़ी अच्छी मछली है। ठीक है, ये कौन सी मछली? ये टोना का नस्ल है, और ये बड़ी खूबसूरत मछली होती है। इसको उसको भी खाने के लिए गोश्त भी अच्छा होगा, बहुत बड़ा ज़बरदस्त टेस्टी गोश्त होता है। इसका फिंगर भी आप बना सकते हो। अच्छा माशा, इसको फिंगर वगैरह बनाते तो अच्छी बन जाती है। इसके अच्छा मज़े की बात है, ये कुंद जो होता है ना, इसको कुंद कहा जाता है। ये दो नस्लों में होता है, एक वाइट एक ब्लैक, और ये अभी वाइट कुंद है। इसको इसके एक ही के वाइट और ब्लैक, इसको ये वाइट जो होता है वो थोड़ा महंगा होता है, और ब्लैक होता है वो थोड़ा सस्ता होता है। एक और ब्लैक कुंद है, ये वाइट है, वाइट है, ये वाइट है। हाँ ये तकरीबन 750-800, और ब्लैक कुंद वो पड़ा हुआ है। देखो एक ही जैसा है, लेकिन मैं आज इनको फ़र्क दिखाता हूँ। इसकी जो पूँछ है ये थोड़ा ब्लैक है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि इनमें फ़र्क क्या है। देखिए ये देखो ब्लैक है, ये ब्लैक है और ये वाइट है। अब देखिए इसमें पता कैसे चलेगा इसके, ये देखो ये चीज़ जो है ना, इसको ब्लैक शेड भी ना होगा। हाँ ये देखो नहीं होगा ब्लैक। अच्छा जब वो हरी होगी इसकी ब्लैक होगा। हाँ ये वाइट है, ये ब्लैक है। इसके रेट में भी डिफरेंट होता है। ये कैसा चल होगा? ये तकरीबन 750-600-700 और वो 550-550। अच्छा चले आगे चलते हैं मजीद आगे। अच्छा ये देखिए ये हीरा मछली लग रही है, इसकी घिसर की लग रही है। देखिए इसको ये घिसर का बच्चा, इसको डांबा भी बोलते हैं। डांबा और समंदर के अंदर ये पत्थर जो होता है ना उसको मार बोलते हैं। सही, ये उसके अंदर। ये कैसा होगी? ये तकरीबन 450-500। ये भी 450? हाँ, मतलब इसमें ज्यादा आ जाता है ना। अच्छा माल यहाँ रेट जो ना डिफरेंट होते हैं। सही है, रेट मतलब जैसे माल कम होता है। ये घिसर के बच्चे हैं, डांबा भी और घिसर भी है। ये कैसा होगी? ये घिसर है। ठीक है, घिसर है, इसको डांबा कहते हैं, ये घिसर है। ठीक है ना, ये कैसा होगी? ये घिसर बड़ा घिसर महंगा है, ये छोटा वाला इतना महंगा नहीं होता, सस्ता होता है। ये सारम के बच्चे हैं। सारम है, ये सारम के बच्चे हैं। ये कैसा होगा? ये तकरीबन 450-450 जितनी रेट के हिसाब से होगा। अच्छा हमें को अगर चाहिए तो रेट कम मिल लेंगे? हाँ हाँ एकदम बिल्कुल, जब आप आओगे तो इंशाल्लाह आपको रेट भी अच्छा मिल जाएगा। ये कौन सी मछली है? इसको टोना बोलते हैं, इसको टोना भी बोलते हैं, और इसको ये टोना इसको बोलते हैं। ये भी मतलब अच्छा है, इसमें बिरयानी बिरयानी खाने के लिए, ये इसकी बिरयानी बड़ी अच्छी बनती है बेसिकली। ये अच्छी मछली है। ये कैसा होगा? ये 350-400
यार रेट का भाई मसला ये ना कि डिफरेंट होता है। अच्छा, जैसा ये देखिए नाज़रीन, ये देखिए ये मार्केट बहुत बड़ी है, ये कराची की सबसे बड़ी मार्केट है, देख सकते हैं आप। अच्छा, ये कौन सी मछली है? ये भी अभी आपको बताया था ना, टोना मछली है। देखो ये बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश है, बिल्कुल सही ये है। फ्रेश है। अच्छा फ्रेश क्यों है? क्योंकि ये सुबह सुबह इसको रात को मारते हैं, फिर शाम को इसको ले आते हैं। ये दिन की मछली है। इसकी रेट बताएं, इसका रेट बता, 350 इतने नहीं होते हैं। इसका ये होता है कि इसका गोश्त थोड़ा लाल होता है, गोश्त की तरह होता है, जैसा गाय का गोश्त होता है, इसका गोश्त इस तरीके से होता है, थोड़ा लाल कलर का। ये भी यही मछली है? सेम है। चलो आगे चलते हैं। बताइएगा। अच्छा ये देखो, ये इसको दवण भी बोलते हैं और गेदर भी बोलते हैं इसको ना, ठीक है। ये व्हाइट कुंद है, ये व्हाइट कुंद है, ठीक है। ये हीरा है, ये कनर्चा है, ये कनर्चा है, ये 1000 रुपए किलो है। अच्छा कनर्चा है, ठीक है। ये धोतर है, ये धोतर है, ये पत्तल है, ठीक है। पापलेट, ये नहीं, इसको पापलेट नहीं, ये पत्तल है, ब्लैक पापलेट उसको बोलते हैं। वो कैसा है? 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। चलिए आगे चलते, शॉर्ट शॉर्ट लेते हैं ताकि आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया। देखो ये मुल्ला है, ये बड़ा टेस्टी मच्छी होता है, मुल्ला इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये कुंद है, ये व्हाइट कुंद है, व्हाइट नहीं ब्लैक, ब्लैक है। इसके मैंने आपको पहले बता दिया था, अपने नाम से ठीक हो गया। ये इसका, ये हीरा है, ये ये कनर्चा है, कनर्चा के बच्चे हैं। ये कैसा है? ये 350 नहीं क्या? नहीं ये खगा है, हाँ खगा, ये इतना खास मसला नहीं है। ये कक्का माना है। अच्छा इसमें मसला है कि दो है, देखो ये इसको भी तुम कक्का बोल सकते हो, ये भी इसको भी बोल सकते हो, ये भी ठीक है। वो पीला है, ये थोड़ा ग्रीन, सही हो गया। ये पत्तल है। अच्छा ये कैसा है? ये पत्तल 800, 900, 950, 1000, 1200, ये देखो डंडिया है। ये उठाए ना, ये दिखाए ना बड़ा पीस, ये देखो कौन है, उठाए, ये बड़ा कौन है, उठाए इसको, दिखाए ना बड़ा पीस। ये देखो ये कितने किलो का पीस है? ये होगा कम से कम 20 किलो होगा। ये व्हाइट कुंद है, व्हाइट कुंद हो गई, ये कैसा होगी? व्हाइट रेट में, हाँ इसी रेट ठीक होगा, 1000, 1200। ये राउंड है, कौन सी? ये राउंड, राउंड। अच्छा ठीक है, ये कैसा होगी? ये 1000, 1200 रुपये। चल भी आगे चलते हैं आगे, इसका बताइए। सारम के बच्चे हैं, सारम हो गए, ठीक है, ठीक है। ये कनर्चा है, ठीक हो गया। ये अमरोज का, ये मुल्ला है, ये साफी है, ठीक है, ये साफी हो गई। ये कैसा है? ये 250 रुपये। हाँ 250। चले आगे चल रहे हैं, इधर चलो आगे से। ये देखें दोस्तों कितना बड़ा, ये इसको उठवाएं सर, ये उठेगा नहीं, ये बहुत भारी है भाई। कितने किलो हो गए यार? ये तो ये तकरीबन ये बहुत भारी हो गए, तकरीबन 50-30 किलो। ये भाई 45 किलो, ये एक मन से ज़्यादा ही है, 40-45। माशाल्लाह यार, ये संग्रास को कहा है, इसको को भी बोलते हैं। यहाँ से ये उठाओ 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 उठाओ। ये देखिए मछली है, साइज इसका देखिए, कितनी बड़ी मछली है। अच्छा हाँ माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन है। चलो ये चले आगे चले, देख सकते हैं मार्केट में। ये है यहाँ से, ये कौन सी मछली है? ये सुरमाई है, ये सुरमाई के बच्चे भी हैं, ठीक है, ये सुरमाई के बच्चे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा देखिए इसमें मैं एक नंबर सुरमाई का हिसाब है, आप 1200 रुपये किलो। आप देखिए ना सर, ये क्या है? ये सुरमाई नहीं है। अच्छा ये एक ही लगी, हाँ इसको करगान बोलते हैं। अच्छा करगान है, ये करगान है, हाँ ये करगान है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, ये 1200 रुपये, ये 1000 रुपये, ये 1200 रुपये बड़ी वाली, ये छोटी 1000 है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना भाई, देखो इसको भी सुरमाई समझते हैं, लेकिन ये सुरमाई नहीं है। चले ठीक है, शुक्रिया। आगे चलते हैं मस्जिद, आगे आइए यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा रास्ता दीजिए। ये साहब देखिए, इसको ये तोता है, ये तोता
मछली, तोता मछली, तोता मछली होता है, तोता इसको मिट्टू बोलते हैं, तोता बोलते हैं, ठीक है। क्या हिसाब है दोस्त, ये क्या हिसाब है? कंपनी वाले 700 रुपए किलो। ये हलाल है, ये कलरफुल जो है हलाल है, 700 रुपए किलो दे रहे हैं आप? ये दे रहे भाई कस्टमर को 500, यानी 500 रुपए में, 500 में दे रहे हैं, 450 में भी दे रहे हैं। चले ये बहुत अच्छी, 450 रुपए दे रहे हैं ये, आगे चलते मजीद। अच्छा और दिखाएं, कौन सी मछली और दिखाओ, ये दिखाओ, ये कैसा आप दे रहे हो, दिखाओ यार, ये कैसा है? ये 500 रुपए किलो। इसको मुई कहते हैं, मुई मुई, देखिए ना ये मुई मछली है, इसको बोलते हैं मुई। हाँ बहुत ही अच्छी, हाँ जबरदस्त है। चले आगे चले, ये सुरमई है, ये सुरमई है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है इससे, ये थोड़ा सस्ते वाला है, थोड़ा महंगे वाला है, ये महंगे वाला ही, ये थोड़ा सस्ते वाला है, बड़ी होने की वजह से नहीं, ये अलग है, ये अलग है, इसका जायका अलग है, इसका जायका अलग है। चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा है, आगे चले नाज़िम। या अभी जो आपको बताया था मुई, मुई है, हाँ, मुई है, ये घोड़ा है, ये कैसा ले रहे हो भाई? 550 दे रहे हैं। चले घोड़े की तरफ चलते हैं, आइए, इसको कहते हैं घोड़ा, ये उससे भी बड़ा, ये घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा मछली, देखे ना घोड़ा बोल, ये क्या हिसाब है दोस्त, ये क्या हिसाब है? ये असल में घोड़ा, ये घोड़ा है, इसके इसका जो ना, इसका बड़े नस्ल को बोलते हैं कातिल। अच्छा इसका जो बड़ा होता है उसको कातिल बोलते हैं। 5.5 फीट है ये, 5.5 फीट होगा, 5.5 फीट का ये, 5.5 फीट का ये मछली देखें। अच्छा इसकी जो बड़ी नस्ल है उसको कातिल बोला जाता है, जो इससे बड़ी होती है नस्ल, हाँ वो कातिल। क्या बात है, बड़ी होनी, हाँ इसका ये, इसका जो नोक है ना, यदि ये इतना बड़ा होता है, ठीक हो। चले नासिर आगे चलते मछली चाहिए। अच्छा दोस्तों ये भी देखिए, तोता है ये, इसको तोता दिखाएं, ये देखो तोता, यहाँ पे बहुत मुनासिब रेट में मिल रही है, यहाँ पे ताज़ा मछली है, अभी तो ये अभी होता है, बिल्कुल 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 ताज़ा, ठीक है। ये तोता मछली है, ये कौन सी तोता है, क्या हिसाब दे रहे हो, क्या हिसाब है? अच्छा 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 ये नहीं देखिए, अच्छा ये इधर आओ, ये देखो ये बड़े गिसर है, ये बड़े गिसर, गिसर जिसको बोल रहे हैं, देखो बिल्कुल ताला, क्या हिसाब है, ला ला क्या हिसाब है भाई, क्या हिसाब होगा, सेठ को पता है। चलिए आगे, 1800 रुपये किलो, 1800 रुपये, 1800 रुपये, अच्छा 1800 रुपये किलो भाई। ये देखो ये जो ना अभी इस वक्त बोली लग रही है, इसकी बोली लगेगी, जो अच्छा पैसा देगा ये वो ले जाएगा, सारे पूरा ये पूरा जो लाट पड़ा हुआ है ना, ये पूरा लाट, क्या फर्क जी, क्या पड़ रहा है अब, ये सबको देख रहा है, जो अपना हिसाब देखे ये इसको दिखाएगा, ये इसके नॉलेज में कि भाई किस कितने में डन हुआ। चलो ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, चले आगे चलिए, चले मैंने इस पूरी मार्केट का भी पूरे रिव्यू लिया है, मछली मार्केट बहुत अच्छी मुनासिब है। हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ जा रहे हैं, सेकंड एपिसोड की तरफ चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, मिलते हैं किसी वीडियो से, तब तक के लिए इजाजत दे, हाफिज़ पाकिस्तान, पाइंदाबाद।